अच्छा, गोभी का सीज़न शुरू होते ही कि आपके घर में भी डेली आलू गोभी, गोभी के पराठे, यही सब बनता है। नो डाउट, मुझे तो वो भी बहुत पसंद है। लेकिन आज हम ना कुछ चाइनीज़ ट्राई करने वाले हैं। गोभी मंचूरियन आज हम बनाएंगे। आज से पहले अगर आपने कभी भी ट्राई नहीं करा तो एक बार ज़रूर से कीजिएगा, सीरियसली बहुत कमाल का बनता है। तो करना क्या है कि स्टैम्प वाले पार्ट को बिल्कुल कट करके अलग कर देना और ऊपर वाले पोर्शन को ना इस तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। बेसिकली बड़े चंक्स हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। और साथ ही में बाकी की चॉपिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि चाइनीज़ खाने में आई थिंक सबसे बड़ा टास्क ना चॉपिंग है। चॉपिंग हो गई तो समझो 60% काम तो वहीं खत्म हो गया। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से मैंने फाइन चॉप किया है। साथ में 1 कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च लिए, उसे भी इस तरीके से कट कर लेंगे। इसके अलावा आप गाजर, बीन्स जो भी लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप चॉपर का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप बिंदास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक पैन में पानी को बॉईल करा है और बॉईल पानी में यहाँ पे हम डालेंगे नमक और इसमें हमारी गोभी को हमें 10-15 मिनट के लिए सोक करके रखना है। ऐसा करने से ना सॉफ्ट हो जाएगी थोड़ी सी। तब तक मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए क्या लिया है कि आधा कप कॉर्नस्टार्च, आधा कप मैदा और नमक, काली मिर्च और अदरक लहसन का पेस्ट। अब पानी डाल के ना इसकी एक स्लरी बना लेनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा पतली। थिक तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है क्योंकि यहाँ पे हम पकौड़े नहीं फ्राई करने वाले हैं, तो ये वाली कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। देखिए, इसमें डालेंगे गोभी और अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। और अब पैन में गर्म करते हैं ऑयल और अब हमारी गोभी को हमें करना है फ्राई। तो ये देखिए, ये डाल लेते हैं फटाफट से ऑयल और ये गोभी। देखिए, हमें ना बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इस टाइम पे, क्योंकि इसको एक बार निकालेंगे फिर वापस से दोबारा फ्राई करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना कि क्रंच बहुत अच्छा आएगा गोभी के ऊपर। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं और दोबारा फिर से डाल देंगे और इस तरीके से। और ये लास्ट में बिल्कुल एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए गोभी पर, इस तरीके का। और अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस में। अब अगर आपके पास चाइनीज़ वॉक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपनी लोहे वाली कढ़ाई ना बहुत अच्छा काम करती है। सिर्फ इसमें इतनी दिक्कत है कि हम लोग टॉस नहीं कर पाते हैं। तो ऑयल गर्म करेंगे और गर्म ऑयल में फटाफट से डाल देंगे प्याज। अब गैस को हमें सिम नहीं करना है, हाई फ्लेम पर सारा काम करेंगे, क्योंकि जो सब्जियों का क्रंच है ना वो नहीं खत्म होना चाहिए, बस ऊपर से हल्का सा कलर आ जाना चाहिए। फटाफट से फिर डाल देंगे लहसन खूब सारा, साथ ही में हरी मिर्च और उसके बाद में जो हमने शिमला मिर्च कट करके रखी थी वो भी डाल देंगे। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक और काली मिर्च पाउडर डालेंगे। फिर आती है सॉसेस की बारी, तो डार्क सोया सॉस, रेड चिली सॉस, साथ में ग्रीन चिली सॉस, व्हाइट विनेगर और फिर जाएगा यहाँ पे टमाटो केचप। अब सॉसेस को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद डालेंगे कॉर्नस्टार्च की स्लरी। कॉर्नस्टार्च की स्लरी ना बहुत ज़रूरी है, इससे ना थिकनेस आती है ग्रेवी में। तो इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, 1-2 मिनट पकाएंगे इसको सिर्फ। और उसके बाद हमारी गोभी डाल देंगे, अच्छे से गोभी के ऊपर पूरा मसाला कोट हो जाना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ पे पानी डालेंगे और पानी आप अपने हिसाब से जितना डालना चाहें डाल सकते हैं, जैसे भी आप अपनी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद ये फटाफट से लास्ट में गार्निश करेंगे हरा धनिया पत्ता से, या फिर स्प्रिंग अनियन हो तो और भी अच्छी बात है। और एक कमाल का हमारा गोभी मंचूरियन बनकर रेडी है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है ना तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।